नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं उसका नाम है कैंटिलीवर स्कैफोल्ड। तो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं पॉइंट, सबसे पहले वो देखते हैं। एक तो टॉपिक है हमारा कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, इसमें कैंटिलीवर स्कैफोल्ड का जो डेफिनेशन है या कैंटिलीवर स्कैफोल्ड किसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद उसके लिए जो स्टैंडर्ड है या जो स्पेसिफिकेशन है कौन कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द ड्यूटी, कौन से ड्यूटी में हम लोग ये बना सकते हैं या कौन से लोड क्लास में बना सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद ट्रांकोम स्पेसिंग और जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो बोर्ड रिक्वायरमेंट है, जो कितना बोर्ड तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद नी और एंगल ब्रेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद टाई स्पेसिफिकेशन, जो स्कैफोल्ड का जो हम लोग जहां पर भी इरेक्शन करेंगे उसके लिए जो टाइज है, जो स्कैफोल्ड टाई करने वाले हैं उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे। और उसके बाद में एक कैंटिलीवर में ही कैंटिलीवर ड्रॉप लिप स्कैफोल्ड एक रहता है उसके बारे में हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कैंटिलीवर स्कैफोल्ड। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड में प्रोवाइड अ सिंगल लिफ्ट कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म एट द इनर फेस ऑफ द स्कैफोल्ड सपोर्टेड बाय रैकिंग ट्यूब और स्कैफोल्ड कपलर। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है, आप लोग देखेंगे ये जो दीवार के बाजू में ही इसको खड़ा किया गया है, इरेक्ट किया गया है। तो ये जो सिंगल लिफ्ट है आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे, एक अंदर साइड में इसको एक्सटेंड किया गया है और इसको सपोर्ट किससे दिया गया है, स्कैफोल्ड ट्यूब है, इसे रैकर मारा गया है या इसको नी ब्रेसिंग भी बोलते हैं या इसको एंगल ब्रेस भी बोलते हैं, और स्कैफोल्ड कपलर के साथ इसको ब्रेसिंग लगाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्ड। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कैंटिलीवर स्कैफोल्ड का डेफिनेशन। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड। तो इसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है NAC UK TG 20, उसके बाद OSHA सब पार्ट L, और इसके बाद में और एक स्टैंडर्ड में इसके बारे में दिया गया है उसका नाम है BS 5973। तो ये स्पेसिफिकेशन या इसके अंदर में आपको कैंटिलीवर स्कैफोल्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम लोग जो ज्यादातर जानकारी है वो NAC UK TG 20 नेशनल एक्सेस एंड स्कैफोल्ड कॉन्फेडरेशन यूनाइटेड किंगडम टेक्निकल गाइडलाइन 20, इसी के थ्रू से हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे या इसी के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद में इसका जो टाइप ऑफ द ड्यूटी है, कोई भी स्कैफोल्ड रहता है उसका ड्यूटी रहता है कौन से ड्यूटी में हम लोग को बनाना है, या लोड क्लास भी उसको बोल सकते हैं। तो ये जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है उसके लिए ओनली वेरी लाइट ड्यूटी में हम लोग इसको इरेक्शन कर सकते हैं। वेरी लाइट ड्यूटी का जो लोड है कितना केजी रहता है मीटर पर स्क्वायर में, 75 kg मीटर पर स्क्वायर, कौन सा, वेरी लाइट ड्यूटी। ये जो वेरी लाइट ड्यूटी है मतलब उसके ऊपर में हम लोग जैसे कि कोई एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, या क्लीनिंग वर्क हो सकता है, या एक आदमी इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, या इंस्पेक्शन का जो एक्टिविटी है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वेरी लाइट ड्यूटी में ही स्कैफोल्ड का इरेक्शन करना है। ये जो है यहाँ से जो कैंटिलीवर दिया है ऐसा जो स्कैफोल्ड है वो वेरी लाइट ड्यूटी के लिए ही यूज करना है, क्योंकि इसके ऊपर में अगर हम लोग मटेरियल ये सब अगर ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो ये जो स्कैफोल्ड है वो इनबैलेंस हो जाएगा, हो सकता है बेंड भी हो जाए या और भी बहुत सारे हजार्ड्स है, उसके कारण हम लोग इसको वेरी लाइट ड्यूटी में ही यूज कर सकते हैं, वेरी लाइट ड्यूटी में ही इरेक्शन करना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांजोन स्पेसिंग एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म। ये जो कैंडिलीवर स्कैफोल्ड है उसके लिए जो ट्रांजोन स्पेसिंग है बोर्ड के नीचे में, ये देखो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा स्कैफोल्ड का बोर्ड हो गया और इसके अंदर में जगह जगह पे ट्रांजोन भी दिया गया है, क्योंकि अगर 2.5 मीटर का अगर हमारा बोर्ड है, अगर एक कैंडिलीवर स्कैफोल्ड आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो इसके आउटर साइड में मेन ट्रांजोन दिया गया है और इसके सेंटर में जहाँ जहाँ सपोर्ट देना है उसको हम लोग इंटरमीडिएट ट्रांजोन भी बोलते हैं। तो उसका जो स्पेसिंग है वो है 1.2 मीटर, इससे ज्यादा ट्रांजोन स्पेसिंग नहीं है, या 1.2 मीटर से ज्यादा हम लोग को नहीं देना है, मैक्सिमम 1.2 मीटर में ट्रांजोन स्पेसिंग है कैंटिलीवर स्कैफोल्ड के लिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड रिक्वायरमेंट। अभी बोर्ड रिक्वायरमेंट मतलब ये जो हमारा इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है इसके अंदर में हमने जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड दिया है तो कितना बोर्ड का हम लोग वाइड मतलब चौड़ाई तक बना सकते हैं, तो ये है मैक्सिमम 5 बोर्ड, कितना, मैक्सिमम 5 बोर्ड ये हम लोग इसको चौड़ा बना सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग को नहीं बनाना है,
या उससे ज़्यादा होगा तो डिज़ाइन गाइडलाइन ले आप यूज़ कर सकते हैं, या जो डिज़ाइन लेके आपको जो जैसे चाहिए वैसे अगर हम लोग डिज़ाइन से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन ने अगर कोई अप्रूव किया चीज़ तो हम लोग इजीली बना पाएंगे, नहीं तो हम लोगों को मैक्सिमम 5 बॉडी इनसाइड में, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5 5 बॉडी हम लोग अंदर में कैंटिलीवर स्कैफोल्ड के लिए बना सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि ये जो डिज़ाइन है अगर एडिशनल अगर हम लोग को कुछ एक्सटेंड करना है या बनाना है तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है हम लोग बना सकते हैं एज पर NASC UK TG20, लेकिन यही सेम लेवल में मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। इसके कॉर्नर साइड में ये लोकेशन में अगर हम लोग को कैंटिलीवर स्कैफोल्ड बनाना है या आउटर साइड में तो हम लोग को डिज़ाइन गाइडलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा, या डिज़ाइन से ही हम लोग को अप्रूवल लेने के बाद ही एज पर डिज़ाइन ही हम लोग को स्कैफोल्ड इरेक्शन करना है। लेकिन अगर सिंगल लिफ्ट होगा तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी हम लोगों ने देखा सिंगल लिफ्ट का अगर स्कैफोल्ड है तो हम लोग इजीली इरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लेवल अगर आ रहा है या मल्टीपल लोकेशन में अलग अलग जगह पे अगर हम लोग को सेम लेवल में बनाना है तो हम लोग डिज़ाइन से ही ड्राइंग अप्रूवल होने के बाद ही एज पर डिज़ाइन ही हम लोग को इरेक्शन करना है। और जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो टोबोर्ड है मिड रेल और टॉप गार्ड रेल, टोबोर्ड 150 mm तक होना चाहिए, उसके बाद टोबोर्ड से टॉप से मिड रेल 470 mm और मिड रेल से टॉप गार्ड रेल 470 mm, ये है इसका प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट। जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम लोग वहाँ पर 1 इंच से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना अलाउ है 1 इंच। तो ये था हमारा स्कैफोल्ड बोर्ड का रिक्वायरमेंट है जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है नी ब्रेसिंग और एंगल ब्रेस भी इसको बोलते हैं। तो ये जो नी ब्रेस है और जो एंगल ब्रेस है उसको हम लोग इसके लिए यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ करता है, ये जो हमारा ट्यूब है वो टिपिंग या टर्निंग हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ से ये जो कैंटिलीवर का सपोर्ट यहाँ से लगाते हैं, वो भी ट्यूब से और फिक्स कपलर के साथ या राइट एंगल कपलर के साथ ही लगाना है हम लोग को। और इसका जो ट्यूब का जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 45 डिग्री तक होना चाहिए, इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री तक होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हमारा जो टाइज स्पेसिफिकेशन आता है, ये जो कैंटिलीवर स्कैफोल्ड है उसके लिए जो टाइज जो देना है हम लोगों को, तो ये जो टाइज जो स्पेसिफिकेशन है या जो स्कैफोल्ड टाइज जो हम लोग बोलते हैं, तो वो जो टाइज के लिए है जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बताता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म लेवल है उसमें अल्टरनेट स्टैंडर्ड, मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ये 6 स्टैंडर्ड है अगर हम लोग इसमें टाई करते हैं तो उसके बाद एक छोड़ के एक में हम लोगों को इसको टाई करना है, और ये जो सपोर्ट देंगे या जो यहाँ पे जो टाई करने वाले हैं हम लोग अल्टरनेट स्टैंडर्ड में वो इनर मतलब अंदर वाला मिडल और जो बाहर वाला जो वर्टिकल है या स्टैंडर्ड है उसके साथ ये कनेक्ट होना चाहिए। ये है इसका टाई रिक्वायरमेंट, क्या क्या है, अल्टरनेट स्टैंडर्ड कनेक्टेड टू इनर मिडल एंड आउटर लेजर विथ राइट एंगल कपलर। तो यह है इसका टाइज का रिक्वायरमेंट, अल्टरनेट स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और जो कनेक्ट करेंगे हम लोग जो टाई करेंगे वो कनेक्ट होना चाहिए इनर मतलब अंदर वाला जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बाद जो मिडल है और जो आउटर स्टैंडर्ड है इसके साथ पूरा कनेक्ट होना चाहिए। ये था हमारा कैंटिलीवर स्कैफोल्ड के बारे में। इसके बाद में कैंटिलीवर ड्रॉप लिफ्ट स्कैफोल्ड है उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि हर एक टाइम में सेम ऐसे स्कैफोल्ड बना सकते हैं। तो ये समझना है कि कैंटिलीवर ड्रॉप लिफ्ट स्कैफोल्ड कैसे है वो मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे कि ये वॉल है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके बाहर में हम लोगों ने बनाया, अगर ये हमारा वॉल है तो इसके बाहर में ये हमने स्कैफोल्ड बनाया, बराबर है। उसके बाद इसका जो सपोर्ट है हम लोगों ने अंदर से लिया, तो और वहाँ से हम लोगों ने यहाँ से स्पर बोलते हैं इसको, ये स्पर इसके साथ कनेक्ट करके हम लोगों ने सपोर्ट दिया यहाँ पर। तो ऐसे स्कैफोल्ड को हम लोग कैंटिलीवर ड्रॉप लिफ्ट स्कैफोल्ड, ड्रॉप लिफ्ट मतलब ऊपर छोड़ देते हैं नीचे साइड में, ऐसे स्कैफोल्ड को तो इसको बोलते हैं ड्रॉप लिफ्ट स्कैफोल्ड, मतलब ये जो वॉल है उसके बाहर में हम लोगों ने स्कैफोल्ड इरेक्शन किया, उसको अंदर से जो है स्कैफोल्ड इरेक्शन करके बोल सकते हैं।
यहाँ पर जैसे कोई स्कैफोल्ड इरेक्शन करके भी सपोर्ट दे सकते हैं, या कोई जो है परमानेंट जैसे कि कोई बीम लेके या चैनल लेके भी डायरेक्टली इसको वेल्ड करके भी हम लोग एडिशनल हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए एक रेशियो है, वो है 3:1। मतलब अगर हम लोग एक मीटर अगर हम लोग स्कैफोल्ड आउटर में बनाते हैं तो अंदर में हम लोग को 3 मीटर तक ये जो है वो सपोर्ट देना पड़ेगा। 3 मीटर अंदर तक हम लोग को स्कैफोल्ड बनाना पड़ेगा या कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर का अगर सपोर्ट देते हैं या जो भी है तो वो देना पड़ेगा। ये 3:1 मतलब 3 मीटर अंदर तो 1 मीटर बाहर कैंटिलीवर ड्रॉप लिफ्ट में बना सकते हैं। तो उसके लिए ये जो सपोर्ट देने के लिए अंदर से जो सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ वो देने के लिए काउंटर वेट सेफ्टी फॉर्मूला एक आता है। आपको ये जो है रेफरेंस अगर आप लोग अगर CISRS का एडवांस इंस्पेक्शन का अगर कोर्स करेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा, नहीं तो नॉर्मल ऐसे आप लोगों को ढूंढने से इजीली ये फॉर्मूला ये सब मिलेगा नहीं। तो देखते हैं ये काउंटर वेट सेफ्टी फॉर्मूला क्या है। उसमें हम लोगों को वेट, अभी कौन सा वेट हम लोग लेंगे, ये जो आउटर का जो स्कैफोल्ड है इसका लेंगे वेट। उसके बाद पी मतलब प्रोजेक्शन, ये जो स्कैफोल्ड कितना बाहर तक निकला है, कितना रहेगा, अगर 3:1 है तो 1 मीटर आगे में निकला हुआ है। तो उसके बाद टेल मतलब ये जो कुछ बोल सकते हैं, मतलब ये जो स्कैफोल्ड हम लोगों ने जो ये वॉल है यहाँ से ये जो स्कैफोल्ड का जो बैक साइड में जो इरेक्शन किया है स्कैफोल्ड हो सकता है या इसका जो परमानेंट स्ट्रक्चर वेल्ड किया है या हम लोग ये जो स्कैफोल्ड इरेक्शन करने वाले हैं तो उसको बोलते हैं टेल। और 3 क्या है, 1:3 मतलब ये सेफ्टी फैक्टर है। और वेट काउंट सी मतलब वेट काउंटर और लाइव लोड प्लस 10% हम लोग को लेना है। लाइव लोड मतलब आदमी और जो मटेरियल का जो लोड है उसको हम लोग लाइव लोड बोलते हैं। अभी ये फॉर्मूला देखते हैं, W×P×3 / T प्लस 10% = C। तो अभी हम लोग देखेंगे W मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखा है वेट, वेट कौन सा, ये जो स्कैफोल्ड है इसका वेट। P×P मतलब प्रोजेक्शन, मतलब ये कितना निकला है बाहर में, समझो 1 मीटर हो गया। W×P मतलब प्रोजेक्शन। उसके बाद × 3 मतलब W×P×3, W हमने देखा आउटर का जो स्कैफोल्ड का लोड है वेट, उसके बाद P में देखा हम लोग जो प्रोजेक्शन मतलब जो बाहर में कितना निकाला है, उसके बाद × 3 करेंगे हम लोग। तो ये जो × 3 ये क्यों हम लोग लेंगे, 3:1 इसका रेशियो है, इसके लिए हम लोग 3 लेंगे। जो 3 है ये कॉन्स्टेंट है, इसके लिए कोई दूसरा हम लोग फिगर नहीं ले सकते। डिवाइडेड बाय टी, टी मतलब क्या है, टेल मतलब जो अंदर में जो हम लोगों ने जो स्कैफोल्ड इरेक्शन किया है उसके लिए हम लोग टी लेंगे। और उसके बाद प्लस ये जो है हमारा 10% जो है लाइव लोड, यहां पर भी मैंने लिखा है प्लस 10% लाइव लोड = इससे क्या मिलेगा हम लोग को लास्ट में रिजल्ट, जो काउंटर वेट है जो अंदर साइड में हम लोग जो वेट रखने वाले हैं, जैसे कि ये जो है यहाँ पर ये समझो अगर हमारा स्कैफोल्ड हम लोग इससे आगे बनाने वाले हैं, ये लेवल में हमारा स्कैफोल्ड है तो इसके अंदर में हम लोग को कितना लोड रखना है इसका हम लोग को कैलकुलेशन मिल जाएगा या इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, W×P×3 / T प्लस 10% हमारा जो लाइव लोड है वो = हम लोग को काउंटर वेट का लोड मिल जाएगा। अगर कोई भी काउंटर वेट अगर हम लोग रखते हैं तो इसको एंड में मतलब ये जो टेलिंग है मतलब इसका जो एंड है यहाँ पर अगर एंड होता है तो इसको हम लोग को सिक्योर करना है। तो ये जो सपोर्ट है इसके लिए अलग अलग हम लोग टेक्निक यूज कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप बिल्डिंग के अंदर में हैं, अगर ये बिल्डिंग का फ्लोर है तो ऊपर और नीचे हम लोग जैक लगा सकते हैं स्क्रू जैक और इससे टाइट कर सकते हैं। और हम लोग कोई चैनल या जो बीम अगर ऐसे दे देते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं, सी टाइप में इसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो हम लोग को और लॉक करना ही है, अगर अंदर में स्कैफोल्ड भी अगर आप इरेक्शन करते हैं तो उसको भी लॉक करना है लास्ट एंड में, और अगर चैनल या बीम या ऐसा कुछ अगर सपोर्ट यूज करते हैं तो उसको भी जो एंड है उसमें लॉक करना ही है। ये सपोर्ट हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर लोड आ जाता है तो वो टाइम में ये जो है हमारा सपोर्ट है तो इसको अगर काउंटर वेट है उसको अच्छे से लोड देके रखेगा या इसको अगर हम लोग सिक्योर किया रहेगा तो ही हमारा स्कैफोल्ड यहाँ पर सही रहेगा, नहीं तो स्कैफोल्ड ये
गिर सकता है नीचे में, क्योंकि अगर आगे लोड ज्यादा आया बैक साइड में हमने लॉक नहीं किया है तो ये स्कैफोल्ड गिर जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कैंटिलीवर स्कैफोल्ड। धन्यवाद दोस्तों।